नमस्कार दोस्तों, सोना साफ करने का सबसे आसान ट्रिक YouTube में पहली बार ऐसा ट्रिक लाए हैं जो सोना को बिना रगड़े, बिना मेहनत किए सोने को बिल्कुल नए के जैसे चमका देगा। ऐसा ट्रिक आपने आज तक नहीं देखा होगा जो आज हम अपने चैनल घरेलू शिक्षा में आपको बताएंगे। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल है। इसमें आपको बिना पैसे खर्च किए, बिना मेहनत किए आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने सारे गहने घर पर ही आसान तरीके से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे जेवरात है जिसे मैं केवल शादी पार्टी फंक्शन वगैरह में पहनती हूँ। वैसे तो हम हैवी गहने फ्रेंड्स ज़्यादातर पहनते नहीं है, बहुत ही इसका कम यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत बार यूज कर लेते हैं, बहुत बार पहन लेते हैं तो इसकी चमक थोड़ी सी डल होने लगती है, मतलब कि उसमें गंदगी जमा हो जाती है तो हमारे गहने जो है गंदा दिखने लगता है। तो उसको हम ऐसे ही तो साफ कर नहीं सकते हैं, हमें डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गहने को बिल्कुल नए की तरह चमका सकेंगे। आप देखिए मेरे इयररिंग्स हैं, झुमकी है, नेकलेस है, मंगलसूत्र है, तो इन सभी को अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए गंजी पर, जिसमें आपके सारे गहने जो है अच्छे से डूब जाए। पानी आपको उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, और पानी आपको हल्का सा गुनगुना लेना है। गुनगुना पानी इसलिए क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए गुनगुना पानी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको चिक शैम्पू ले लेना है, आपको अदर और कोई शैम्पू नहीं लेना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर केवल चिक शैम्पू लेना है। फिर आप क्या कीजिए, चिक शैम्पू को कुनकुना पानी में डाल दीजिए, आप इसमें शैम्पू को यूज करें तो हम इसमें शैम्पू को डाल देंगे और फिर अच्छे से इसको हिला देंगे। इसमें जब झाग आ जाएगा फ्रेंड्स तो हम इसमें फिर इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर जो होता है सोने के गहने की रंगत को उभारने के लिए, सोने के जेवर को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता है कि सोने के जेवरात को हल्दी से वॉश करना। तो हम इसमें हल्दी डालकर इसको अच्छे से घोल देंगे, हल्दी आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है। फिर इसको अच्छे से हम हिला देंगे, फिर इसमें एक एक करके अपने सारे जेवरात को डुबा देंगे। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम अपने जेवरात को बाहर सुनार के यहाँ धुलवाने के लिए देते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। हालांकि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि हम किसी दूसरे को अपने सोने के जेवरात को देते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि वो हमारे जेवरात को कम ना कर दे, हमारे गहने के वजन को कम ना कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है फ्रेंड्स। और ये भी डर रहता है कि कहीं कोई डिजाइन खराब ना हो जाए, कहीं पास का टूट ना जाए, मीना ना निकल जाए। तो इससे क्या कीजिए, आप अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो गया, इमरजेंसी है, तो आप तुरंत इसको सुनार के यहाँ धुलवा भी नहीं सकते हैं और गंदा पहनते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपने घर पर ही आप अपने सोने के जेवरात को बिल्कुल नए की तरह चमकाएं। अभी आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि मेरे जो जेवरात हैं वो कैसे बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा। ये ट्रिक बहुत ही काम की है, मैं इस ट्रिक से अपने सारे जेवरात को साफ करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरे जेवरात गंदे हो गए हैं, मैं इस ट्रिक से अपने जेवरात को क्लीन कर लेती हूँ। चाहे एक अंगूठी हो, या एक चैन हो, या एक मंगलसूत्र हो, चाहे एक नेकलेस हो, आप जितने भी आपके पास गहने हैं आप उसको साफ कर सकते हैं। इसको हमें ऐसे ही डुबाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब पानी
जब तक पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने पानी कुनकुना लिए हैं। ज़्यादा उबला हुआ पानी नहीं लेना है, उतना गर्म भी नहीं लिए हैं, हल्का सा कुनकुना लिए हैं। तो 10-15 मिनट में ये आसानी से पूरा ठंडा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो गया है। अब मैं आप लोगों को अपने जेवरात को दिखाती हूँ। आप लोग ये देखिए, हमने इसमें चिक शैम्पू ऐड किए हैं और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और आप देख सकते हैं कि मेरे जेवरात जो हैं कैसे बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। हल्दी पाउडर जो है इसमें इसकी रंगत को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और चिक शैम्पू जो है इसकी गंदगी को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। हमें इसमें ब्रश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब सोने के जेवरात साफ करते हैं तो टूथब्रश से साफ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको अपने जेवरात को ज़रा सा भी रगड़ने की या साफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस क्लीनर में डुबाना है, और ये देखिए कहीं पास भी आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है और बिल्कुल एकदम नए की तरह दिख रहा है। इसमें चमक भी बढ़ गई है, हम हल्दी डाले हैं, इसका जो पीलापन है, जो रंगत है, और अच्छे से उभर के आया है। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन वाली झुमकी जब पहनते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें गंदगी ज़्यादा जमा होती है, और इसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे में हम बार बार सुनार के पास जा नहीं सकते हैं, तो आप इसे अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। देख लीजिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, कितने अच्छे से इसकी रंगत आई है। ये बिल्कुल नए की तरह दिख रहा है, जैसे कि हम आज ही इसको खरीद कर लाए हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे गहने को बाहर निकाल कर साफ पानी से एक बार और वॉश कर लूंगी। तो मेरे सारे गहने जो हैं देखिए निकल गए हैं। इस तरीके से आप डिज़ाइन वाली झुमकी पहनते हैं, एयररिंग्स पहनते हैं, तो इसमें गंदगी ज़्यादा होती है, तो इसको हमें बार बार साफ भी करना पड़ता है। तो आप इसी ट्रिक से बिल्कुल बिना घबराए साफ कर सकते हैं। आपके जेवर जो हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन होंगे और जेवर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि मैं अपने जेवरात को इसी क्लीनर से साफ कर सकती हूँ। तो देखिए मैं इसको अब कुछ नहीं कर रही हूँ, केवल साफ पानी से इसको धोकर निकाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर और शैम्पू का झाज ना रहे, इसलिए इसको हल्का से ठंडे पानी से साफ पानी से धोकर निकाल रही हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, गहने जो हैं बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।